अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद आमना डॉट कॉम। मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है स्टूडेंट बिरयानी। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, आधा किलो मैंने चावल लिए, उसमें मैंने खड़ा गरम मसाला डाला और उसे बॉयल कर लिया। तो ये बॉयल हुए हुए चावल हैं। आधा किलो मैंने चिकन लिया है, दो कटे हुए आलू लिए हैं जिनको मैंने चार हिस्सों में काट लिया है, हाफ कप दही ली है, दो अदद टमाटर लिए हैं कटे हुए छिलका उतार के, एक लार्ज साइज़ की हमने प्याज ली है कटी हुई, एक कप ऑयल लिया है। ऑयल हमने इसलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि हमने आलू को फ्राई करना है, वैसे बिरयानी में हाफ कप ऑयल जाएगा। टू टेबलस्पून कटा हुआ पुदीना लिया है, वन टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया लिया है, तीन अदद हरी मिर्चें ली हैं, क्योरा लहसुन लेंगे हम तकरीबन 1/4 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हमने 1 टीस्पून, 8 अदद मैंने सूखे आलू बुहारे लिए हैं, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, और 1/2 टीस्पून लिया है हमने जर्दा रंग। सबसे पहले हम बर्तन में ऑयल डालेंगे। मैंने ऑयल लिया है, आप घी भी ले सकते हैं। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ये कटे हुए आलू डाल देंगे और आलूओं को हमने फ्राई करना है। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे। मैंने आलूओं में नमक लगा के रखा हुआ था पानी में डाल के, इससे आलू हमारे जल्दी गल जाएंगे, और फ्लेम हमने हाई रखी हुई है, हाई फ्लेम पे हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेंगे। अब और साथ ही हम ऑयल भी निकाल लेंगे। तो ये 1/2 कप ऑयल रह गया, बाकी का हमने निकाल लिया। अब इसमें हम ये कटे हुए प्याज डाल देंगे और प्याज को भी हम लाइट गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। जब हम बिरयानी की लेयर्स लगाएंगे तो उसमें हम गार्निश करेंगे प्याजों को, इसलिए हमने निकाल लिए हैं। तो सारे प्याज हमने निकाल लिए हैं, इसे हम साइड पे कर देंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, मिक्स करेंगे और साथ इसमें चिकन ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे चिकन को हम फ्राई करेंगे। चिकन को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे कटे हुए टमाटर, आलू बुखारे, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, मिक्स करेंगे। और इसमें 1/2 कप हम पानी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। दस मिनट हो चुके हैं, चेक करेंगे, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे ये फ्राई किए हुए आलू। फ्राई मैंने इसलिए किए थे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी आलू को कुक कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और साथ इसमें डाल देंगे दही, गरम मसाला पाउडर, मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्चें, 3 हरी मिर्चें जिन्हें मैंने काट दी है। जो प्याज हमने फ्राई किए थे उसे मैंने हाथ से थोड़ा सा मसल लिया, ये हम डाल देंगे और फ्लेम को हम थोड़ा मीडियम कर देंगे। कटा हुआ हरा धनिया, कटा हुआ पुदीना, अब फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें बॉयल किए हुए चावल ऐड करेंगे और येलो कलर में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे।
मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे, केवड़ा लहसुन डालेंगे और इसे कवर करके छोड़ देंगे हम 15-20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। तैयार है हमारी स्टूडेंट बिरयानी, इसे हम निकाल लेंगे। तैयार है हमारी बहुत ही मज़े की स्टूडेंट बिरयानी और बहुत ही सिंपल बनी है ये। अगर आपको ये सिंपल स्टूडेंट बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इस बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अल्लाह हाफिज़।